रिकॉर्डिंग का मैसेज पे और स्क्रीन शेयर। यस मैम। आज हम लोग जो ए स्टार्ट करेंगे, लास्ट दिन वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग ए सेवन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ए सेवन जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे है बेस्ड, ठीक है। और इसका कॉस्टिंग में भी एक रहता है टॉपिक, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोल के, तो वहाँ कॉस्टिंग में भी किया जाता है। जो भी हो तो इसका हम लोग का अकाउंट्स में देखना है कि किस तरीके से इस पे कैलकुलेशन वगैरह होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें देखना क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट, देखो कंस्ट्रक्शन के काम में दो मेन पर्सन होता है, एक जो कॉन्ट्रैक्ट देता है, एक जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ठीक है। जैसे कि कोई रोड बनवाना है, ब्रिज बनवाना है, कोई बिल्डिंग बनेगा, कोई मॉल वगैरह बनेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वहां पर हमेशा दो पर्सन इंक्लूड होंगे, मतलब दो पार्टी, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर अपना अकाउंट कैसे मेंटेन करेगा, यहाँ पर हम लोग को वो सीखना है। कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, कॉन्ट्रैक्टर, अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या फिर हम लोग किसी कॉन्ट्रैक्टर की एज एन अकाउंटेंट काम करते हैं तब कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है, वही ए सेवन हमें बताता है। तो ए सेवन है फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन के काम में जैसे मैंने बोला हमेशा दो पार्टी इन्वॉल्व होगा, एक होगा कॉन्ट्रैक्टर और एक होगा कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टी का मतलब जो बोलेगा कि मुझे ये बनवाना है, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्ट्रैक्टी जो है वो कस्टमर हो गया उसका, ठीक है, क्योंकि उनको तो ऐसा कस्टमर चाहिए तभी उनका काम चलेगा, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा, ठीक है, पूरा बनाना नहीं, यहाँ पर जो भी पॉइंट है हम लोग वही सीखेंगे। ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है, थियोरिटिकल प्लस कैलकुलेटिव, फुल कैलकुलेटिव तो नहीं है। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला ही आएगा, कैलकुलेशन ही करके हमें देना है, लेकिन वो अकाउंटिंग फॉर्मेट में ज्यादा डेबिट क्रेडिट इस तरीके का नहीं, अलग अलग तरीके का क्वेश्चन होगा, देखने से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर ये बताना है कि कॉन्ट्रैक्टर अपना अकाउंट्स कैसे बनाएगा, ठीक है। इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बोल के हम बोल देते हैं अकाउंटिंग कैसे होगा कॉन्ट्रैक्टर का, वो हमें सीखना है इस अकाउंट एस में, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे जो भी, जैसे ए इसमें लिखते हैं, ठीक है। ए सेवन दिस इज डिस्क्राइब डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ अमाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। देखो मैंने जो बोला है वही लिख लिया है, देखो यहाँ पर कि ये हमें क्या डिस्क्राइब करेगा, वो सारे प्रिंसिपल्स बताएगा ऑफ अमाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिकॉर्डिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, की कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रिकॉर्डिंग वगैरह कैसा होगा उस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखना है इन द, अच्छा इसको थोड़ा कंप्लीट कर लो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। तब कंप्लीट हो गया जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि ये क्यों हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये बात कंप्लीट हो गया। दिस इज डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ अमाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टी का कुछ भी यहाँ हमें नहीं मिलेगा, जो भी रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड है वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए प्रोवाइड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर
कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलने से कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं वो हमें यहाँ पर बताया गया, ठीक है, क्योंकि ये हर एक चीज को डिस्क्राइब करता है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ये जो टर्म है इसका मतलब क्या, इसमें क्या क्या कवर होता है? तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट और ए कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट। और ए कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट दैट कॉमा दैट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट इन टर्म ऑफ देयर इन टर्म ऑफ देयर डिजाइन कॉमा टेक्नोलॉजी कॉमा एंड फंक्शंस। ये समझाते फिर इसके बाद का पॉइंट भी बताते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या क्या कवर होता है A7 में। तो यहाँ पर बोला गया है कि इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। नॉर्मली हम लोग इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कोई एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ही कर रहे हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट। यहां तक तो तुम लोग ऐसे भी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि एसेट के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए ही जो है, देखो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो एसेट ही बनेगा, फिक्स्ड एसेट स्पेशली फिक्स्ड एसेट बनता है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो मोर देन 1 ईयर तो लगता ही लगता है, ठीक है। तो अब 2 साल 5 साल 10 साल कुछ भी लग सकता है लेकिन मोर देन 1 ईयर होता है तो फिक्स्ड एसेट वगैरह ही इसमें कवर अप होगा, ठीक है। तो ये जो है एसेट को कंस्ट्रक्ट करेगा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट को बनाएगा। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट में क्या क्या आता है, मतलब कॉम्बिनेशन में क्या हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं? दैट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट इन टर्म ऑफ डिजाइन। मतलब ऐसे एसेट को हम लोग सेम क्लास ऑफ एसेट या सेम कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट बोलेंगे जिनका डिजाइन एक तरह का हो या जिन पे एक ही जैसा टेक्नोलॉजी यूज किया गया हो या फिर एक ही तरह का फंक्शंस जिस पे अप्लाई किया गया हो। इस तरीके के बहुत सारे एसेट को हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट बोलेंगे और इस तरीके के कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट का कंस्ट्रक्शन का काम भी हम लोग का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट यानी A7 में आ जाएगा, ठीक है। तो एसेट नॉर्मल एक एसेट तो समझ में आता है, अब अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट तो कॉम्बिनेशन में क्या क्या आना चाहिए? तो बोल रहा है कि अगर एक ही डिजाइन में हो, ठीक है, सारे एसेट्स एक ही तरह का देखने में है, एक ही टेक्नोलॉजी यूज से बना है या फिर एक ही तरह का फंक्शन अप्लाई करके बना है तो इस तरीके के एसेट को हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन इन द टर्म ऑफ इंटर रिलेटेड, कैसे इंटर रिलेटेड या इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए? डिजाइन टेक्नोलॉजी फंक्शन, ठीक है, ये सब टर्म हमें याद होना चाहिए। अच्छा अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। ये तो डेफिनेशन दिया हुआ है इसके तरफ से, उसके बाद अलग से बताया है इट इंक्लूड्स। पहला कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सॉरी, रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन होगा, रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन सर्विस
related to construction. मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग सर्विस, मतलब अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कोई सर्विस, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई सर्विस अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो भी आ जाएगा. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो आर्किटेक्चर्स, ठीक है, देख आर्किटेक्ट्स ऐसे बोल सकते. जैसे अगर हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो उसका डिजाइनिंग वगैरह के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको आर्किटेक्ट्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है. तो अगर हम लोग आर्किटेक्ट्स क्या करेगा, आपके डिजाइन दे देगा, बता देगा ऐसे 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 बनना ये, ठीक है. तो ये क्या है, उन्होंने अपना सर्विस प्रोवाइड किया, ठीक है. वो तो कोई प्रोडक्ट नहीं देते हैं, वो सर्विस देते हैं. इनका जो स्किल है उससे हमें सर्विस मिलता है. तो बुरा है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंस्ट्रक्शन का काम लिया है और उसके लिए हम लोगों ने किसी आर्किटेक्ट को भी जो है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बुलाया है, तो वो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट का ही, कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट होगा. कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्ट से हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपको इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमें सर्विस प्रोवाइड करना है, तो वो भी हमारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट होगा. फिर सेकेंड सेकेंड लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ एसेट, ब्रैकेट में डिमोलिशन. बता रहे ये क्या है, बोल रहा है कि अगर हम लोग जहां पर मान लो ये प्लेस है, यहाँ पर हम लोग एक बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं, ऐसा हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आए कि यहाँ बिल्डिंग बना के देना है, लेकिन इस प्लेस में मान लो पहले से ही कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, कैसा भी स्ट्रक्चर हो बना हुआ है, लेकिन हम लोग को वहां पर कॉन्ट्रैक्ट मिला है बनाने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ये जो ऑलरेडी बना हुआ कोई भी स्ट्रक्चर है उसको हमें डिमोलिस्ट या डिस्ट्रक्ट या रिस्टोरेशन करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब नाम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब डिस्ट्रक्शन उसमें आएगा नहीं, ऐसा बात नहीं है. अगर कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस में कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए कोई डिस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है या फिर डिमोलिश करना पड़ रहा है कोई भी ऑलरेडी बने हुए स्ट्रक्चर को, तो वो भी हमारे इस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है, ठीक है. तो कंस्ट्रक्शन के लिए अगर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो भी हमारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगा, जिसको हम लोग डिस्ट्रक्शन या फिर रिस्टोरेशन ऑफ एसेट या फिर डिमोलिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखो पहले पढ़ा कि AS 7 जो है वो क्या बोलता है, तो वो तो मैंने तुम लोग को पहले ही बताया कि कॉन्ट्रैक्टर अपना कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, कैसे अपना अकाउंटिंग करेगा, वही हमें AS 7 बताता है. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आ जाता है, जिस चीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो तो आएगा ही, तो उसमें एसेट आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट भी आ सकता है, एक से ज्यादा एसेट भी आ सकता है. कॉम्बिनेशन मतलब सेम क्लास ऑफ एसेट, सेम क्लास इन द सेंस फॉर डिजाइन टेक्नोलॉजी फंक्शन, अगर सेम तरीके का जो है अप्लाई किया गया है, ठीक है. इसके अलावा इसमें अलग से मैंने 2 पॉइंट और लिखवा दिया, अगर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए किसी तरीके का सर्विस लिया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पर्पस में, जैसे कि आर्किटेक्ट से कोई सर्विस लिया तो वो भी हमारे कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, और ऑलरेडी बने हुए किसी भी स्ट्रक्चर को उसको अगर हमें डिमोलिस्ट करके जो नया वाला कंस्ट्रक्शन का काम है वो स्टार्ट करना है, तो वो डिस्ट्रक्शन के लिए भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी हमारे इसी AS में कवर होता है. अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. Types of construction contract, कितने तरीके का construction contract होता है, तो 2 types होता है, first है fixed price contract, और नेक्स्ट है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा,
फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो हम पहले बता देते फिर डेफिनेशन दे। फिक्स्ड प्राइस का मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में मान लो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे मान लो मिस्टर ए जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, और मिस्टर बी जो है उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा एक बिल्डिंग बना के दे दीजिएगा। मिस्टर बी ने बोला मुझे ऐसा एक बिल्डिंग बना के दे दीजिएगा, किसको बोला? मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए ने बोला ठीक है हम बना के दे देंगे, मुझे इसका चाहिए 1 करोड़, ठीक है, ऐसे बता दिया कि हम बना के दे देंगे, 1 करोड़ इसका लगेगा, ठीक है, ये चीज बन जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब हम लोग प्राइस जो है वो फिक्स्ड बता देते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो है बता देगा कि मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, ये चीज बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका डेफिनेशन ए इसमें क्या बोल रखा है, देखो, प्राइस इज एग्रीड एज फिक्स्ड टर्म और फिक्स रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर लो, एस्केलेशन कॉस्ट may be compensated. समझा? देखो क्या लिखा है मैंने, ये जो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने तो नॉर्मली बताया कि फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, जब प्राइस फिक्स्ड हो जाएगा, प्राइस इज एग्रीड एज फिक्स्ड सम, जो मैंने बताया कि पहले ही बता दिया जाएगा कि ये बन जाएगा चीज, लेकिन इसके लिए इतना प्राइस देना पड़ेगा, या फिर फिक्स रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक एक यूनिट ऑफ आउटपुट का प्राइस फिक्स्ड कर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक 5 स्टोरेड बिल्डिंग बनेगा, तो जैसे ही ग्राउंड फ्लोर बन जाएगा इतना, फिर उसके बाद इतना, ऐसे कोई भी किसी भी तरीके का यूनिट बेसिस पे आउटपुट का प्राइस जब फिक्स्ड हो जाता है, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर बन जाएगा इतना, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर बनेगा इतना, उसके बाद सेकेंड फ्लोर, तो ऐसे भी हो सकता है। और एस्केलेशन कॉस्ट में भी कंपेंसेटेड, एस्केलेशन क्लॉज का मतलब क्या होता है? एस्केलेशन क्लॉज जो है ये एक ऐसा क्लॉज है जिसको अप्लाई किया क्यों जाता है, देखो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जैसे मैंने पहले ही बोला कि मोर देन 1 ईयर तो लग ही जाता है, ठीक है, 1 ईयर तो लगेगा ही लगेगा, 12 मंथ्स के नीचे कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है, ठीक है, उससे ज्यादा हो जाता है। तो अब मान लो 5 साल 6 साल जो काम चलेगा उसमें इन्फ्लेशन के वजह से मार्केट में मेटेरियल लेबर ये सब का प्राइस जो है कम ज्यादा हो सकता है। देखो कम भी हो सकता है, कभी कभार मेटेरियल का प्राइस कम भी हो जाता है, किसी सिचुएशन से हाई हो रखा है कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली देखा जाता है तो प्राइस बढ़ता ही जाता है, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं प्राइस बढ़ने के लिए, इन्फ्लेशन तो एक होता ही है, कोई पॉलिटिकल इश्यूज है, कुछ भी, ठीक है, कोई क्राइसिस चल रहा है तो भी हमारे मेटेरियल लेबर ये सब प्राइस जो है नॉर्मल से बढ़ जाता है, तो वैसे भी टाइम टू टाइम तो वेरी करेगा ही, जैसे 5 साल कॉन्ट्रैक्ट चलेगा तो 5 साल में तो प्राइसेस वेरी कर ही जाएंगे। तो एस्केलेशन जो है, एस्केलेशन कॉस्ट का मतलब हो जाता है कि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहा है तो उसके लिए हम लोग एक क्लॉज लिखवा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर एक क्लॉज लिखवा सकता है कि अभी मेटेरियल 100 रुपए पर किलो चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में हम लोग को ये मेटेरियल का प्राइस जितना बढ़ जाएगा उतना करके आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके का कोई क्लॉज अगर ऐड हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्केलेशन, ठीक है। एस्केलेशन कॉस्ट में भी कंपेंसेटेड, अगर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें एस्केलेशन क्लॉज भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्टर चाहे तो वो ऐड कर सकता है, ऐसा रूल्स है। अब देखो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जैसे देखो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसे, हमें एक एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि ये देखो मिस्टर ए जो है, ठीक है, वो मिस्टर बी को जो है, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट, ये तो दो पार्टी होगा। अब
इन्होंने क्या बोला कि मुझे ऐसा एक बिल्डिंग बना के दे दीजिए। मिस्टर ए ने बोला ठीक है, लेकिन हम पेमेंट कैसे लेंगे? बोल रहे हैं कि हम कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेंगे। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगा, लाइक रॉ मेटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस हो गया, जो भी खर्चा लगेगा वो तो हो गया कॉस्ट, प्लस हम जो भी कॉस्ट लगेगा उस पे हम 2% अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ऐसे बोल दिया है। ठीक है, मान लो ये 100 रुपए लगा, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए में तो कुछ होता नहीं है ये मान लो, या फिर जो भी लगा 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख, ठीक है, तो ये मान लो यहाँ पर 100 रुपए लगा और उन्होंने बोला कि ये चीज बनने में अगर 100 रुपए लगता है, इसपे हम और 2% यानी 102 रुपए लेंगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसे करके डिसाइड हो सकता है। जैसे यहाँ पर पहले ही डिसाइड हो जाएगा 102, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, जो भी कॉस्ट होगा उस पे जो है प्लस करके प्रॉफिट को ऐड किया जाएगा, और वो प्रॉफिट परसेंटेज में भी बताया जा सकता है या फिर अमाउंट में भी बताया जा सकता है कि ये बिल्डिंग बनने का 10 लाख लगेगा, इस पे हम 2% लेंगे। मतलब 10 लाख तो पहले से नहीं बताएगा, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में बता देगा कि ये कॉस्ट लगा, बताते जाना पड़ेगा, ठीक है, ये इतना कॉस्ट लगा, अदर एक्सपेंसेस इतना लगा, ठीक है, ये कॉस्ट हो गया प्लस इसमें ये जो भी इसका फिक्स्ड परसेंटेज भी लगा सकता है या फिर फिक्स्ड अमाउंट भी लगा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं, लिखो कॉन्ट्रैक्ट इन विच, कॉन्ट्रैक्ट इन विच द कॉन्ट्रैक्टर इज reimburse for allowable cost, मतलब कॉन्ट्रैक्टर बताते जाएगा कि इतना इतना खर्चा हुआ। तो वही जैसे मैंने बोला रॉ मेटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, तो कॉन्ट्रैक्टर इज रीइंबर्स फॉर एलोकेबल, लेकिन वो कॉस्ट एलोकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर कोई भी कॉस्ट ऐड करके बोल दिया कि ये मुझे देना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट ही थोड़ी ना कोई, मतलब कोई ऐसा पर्सन होगा जो जो सारा चीज मान लेगा, ऐसा नहीं होता है। लॉजिकली होना चाहिए, मतलब एलोकेबल कॉस्ट ही होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस पे खर्चा लगा, इसके अलावा कोई खर्चा कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों पे करे। तो कॉन्ट्रैक्टर को वही सारे खर्चे ऐड करने चाहिए जो उसको अलाउएबल होगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड खर्चा, इसके अलावा कोई खर्चा वो अपना पर्सनल खर्चा वगैरह ऐड कर देगा तो कैसे होगा, वो नहीं होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इन विच द कॉन्ट्रैक्टर इज रीइंबर्स फॉर अलाउएबल कॉस्ट, ये जो भी कॉस्ट अलाउएबल होगा यानी कि फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस परसेंटेज ऑफ दीज कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि 100 रुपए में हम और 2% लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज ऑफ दिस कॉस्ट और फिक्स्ड फी, ठीक है, और फिक्स्ड फी। फिक्स्ड फी का मतलब जैसे देखो हम लोग बोल सकते हैं 100 रुपए लगा प्लस और 2%, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 100 रुपए प्लस उसपे और 2 रुपया, ठीक है। तो हम लोग उसको परसेंटेज में भी बता सकते हैं, फिक्स्ड अमाउंट में भी बता सकते हैं, जैसे बताना चाहेंगे, दोनों ही कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ जाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये देखो हम लोगों ने 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, ठीक है, एक है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जहां पर पहली प्राइस डिसाइड हो जाता है कि इतने का ये चीज बन जाएगा, लेकिन क्या होता है बनने में टाइम लगता है, तो वहां एक एस्केलेशन क्लॉज का जो है इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है कि फ्यूचर में काम करते करते अगर किसी भी चीजों का दाम बढ़ जाता है, लाइक मेटेरियल, स्पेशली मेटेरियल लेबर वगैरह का, तो वो प्राइस जो बढ़ जाएगा उतना प्राइस, अब वो ना एस्केलेशन क्लॉज में लिखा हुआ रहता है कि कितना परसेंट बढ़ने से कौन पे करेगा। जैसे ऐसे भी क्लॉज रहता है, मान लो 10% प्राइस बढ़ गया तो 5% कॉन्ट्रैक्टर बियर करेगा, 5% कॉन्ट्रैक्टी बियर करेगा, इस तरीके से अलग अलग क्लॉजेस बन सकता है, वो तो जैसा वो एग्रीमेंट बनाना चाहे। लेकिन एस्केलेशन क्लॉज का मतलब होता है कि वही कि अगर प्राइस बढ़ गया तो उसका जो है कंपेंसेशन मिल जाएगा, उसके लिए पहले से एस्केलेशन क्लॉज को लगाना पड़ेगा। और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई फिक्स प्राइस नहीं बताया जाता है, कॉस्ट बता दिया जाता है इतना 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 खर्चा लगा है, लेकिन अलाउएबल कॉस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी कॉस्ट ऐड कर दिया गया, और फिर उसमें परसेंटेज बता दिया जाता है कि हाँ इतना परसेंट जो है हम लेंगे, या फिर इतना फिक्स्ड अमाउंट उसमें और ऐड करके बोल दिया जाता है कि इतना अमाउंट ले। तो ये हो गया हम लोग का टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है देखो, एज पर AS 7
आउटकम ऑफ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली. When all the following conditions are satisfied. Outcome of fixed price contract can be estimated reliably when all the following conditions are satisfied. मतलब ये point जो है fixed price contract के लिए बना हुआ है. Fixed price contract में जैसे कि मैंने बोला पहले से ही price fixed हो जाएगा, लेकिन जो price बताया जा रहा है contract के contractor के तरफ से, ठीक है, वो कितना ज्यादा रिलायबल है वो कैसे हम लोग मानेंगे. ठीक है, तो कुछ कंडीशन एएस के तरफ से दिया हुआ, अगर वो सारे के सारे कंडीशन, इसलिए मैंने ऑल को हाईलाइट किया, सारे के सारे कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमें फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बताया जा रहा है वो रिलायबल है. पहला कंडीशन, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू can be measured reliably. ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हुआ है, मतलब उस कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो प्रोडक्ट बेच देते हैं, जैसे बिल्डिंग हुआ, कुछ भी हुआ, तो उससे जो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू मतलब सेल्स वैल्यू, ठीक है, उसको हम लोग रिलायबली मेजर कर पाए, उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो. ठीक है, रिलायबली मेजर अगर कर पाते हैं टोटल टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को अगर हम लोग रिलायबली मेजर कर पाते हैं, ठीक है, तो फिर एज पर AS 7 के अकॉर्डिंग फिक्स प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट का जो आउटकम है वो हम लोग रिलायबली एस्टिमेट कर पाएंगे. सेकेंड हो गया, इट इज प्रोबेबल. प्रोबेबल हम लोगों ने ये वाला वर्ड लास्ट के दो AS में भी काफी पढ़ा. ठीक है, प्रोबेबल मतलब 80% चांसेस मान लो. ठीक है, किस चीज का, कि हमें इस कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने लिया है उससे हमें रेवेन्यू जरूर मिलेगा. मतलब अगर हम लोग किसी ऐसे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए जो कि गुंडा है, ठीक है, मतलब ऐसे हमें डरा सकता है कि हम पैसा नहीं देंगे, काम करवा लिया, ठीक है, तो फिर पैसा तो आने से रहा. तो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कि हम लोगों ने ऐसे किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कंस्ट्रक्शन का कि उसका पेमेंट हमें जरूर मिलेगा. ठीक है, तो इस चीज को बोला गया इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट का ही मतलब होता है कैश का फ्लो. ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड with contract will flow to the enterprise. और उसके बाद थर्ड पॉइंट, बोथ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट and the stage of contract completion can be measured
रिलायबल बताते हैं ये क्या लिखा है मैम। अच्छा देखो यहाँ पर ये पॉइंट तो समझ गए होगे कि एज पर AS7 आउटकम ऑफ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। रिलायबली तभी एस्टिमेट किया जाता है अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट जो रेवेन्यू डिसाइडेड है वो रिलायबली मेजर्ड था। दूसरा है कि हम लोगों ने जो रेवेन्यू डिसाइड किया है वो हमें मिल जाएगा, मतलब हमें पेमेंट मिल जाएगा। प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद कॉन्ट्रैक्ट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज यानी कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का बात हो रहा है। अब बोला है कि बोथ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ठीक है, जितना भी खर्चा हुआ इस कंस्ट्रक्शन के काम को करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट एंड द स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन। ये क्या होता है स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन, क्योंकि देखो एक कंस्ट्रक्शन के काम को अगर पूरा किया जाए तो मोर देन 1 ईयर लगेगा। जैसे मान लो 3 साल लगा, फॉर एग्जाम्पल 3 इयर्स लग रहा है एक बिल्डिंग को बनाने में, ठीक है, ये बिल्डिंग को बनाने में 3 साल लगे। अब हर एक साल में क्या होगा ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर का, ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि 3 साल बाद बनेगा तो हम लोग 3 साल बाद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। नहीं, अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को भी तो हर साल अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, उसे भी तो पता करना है कि ईयरली उसका प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट नहीं हुआ तो प्रॉफिट या लॉस को वो कैसे बुक करेगा, तो पर स्टेज वाइज करेगा। जैसे यहाँ पर स्टेज 1 कंप्लीट हुआ, फिर स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है, तो जितना जितना कंप्लीट होगा उसके हिसाब से उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो हर बार जो हम लोग चेक करेंगे कि कितना कंप्लीट हुआ उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन, ठीक है, तो कितना कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट जो है लगेगा और कितना कंप्लीट हुआ है वो हम लोग रिलायबली अगर मेजर कर पाए तो ही हमारे सारे कंडीशन फुलफिल होता है। तो 3 कंडीशन में पहला हो गया कि रेवेन्यू रिलायबली मेजर होना चाहिए, दूसरा हो गया कि रेवेन्यू हमें एज इकोनॉमिक बेनिफिट जो है उसका फ्लो हमारे एंटरप्राइज में होना चाहिए, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट, और हर एक स्टेज पे कंप्लीशंस का जो अमाउंट है, ठीक है, उसको भी हम लोग रिलायबली मेजर कर पाए। अगर कर पाए तो ही हम लोग फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं, ठीक है, यही चीज बताया है। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ना और एक पॉइंट हमें नोट लिखना है, नोट लिखना है पॉइंट 2, ये जो भी लिखा है ना हम लोग ने उसमें पॉइंट 2, अच्छा मैंने यहाँ पर 2 लिखा है तो मुझे यहाँ पर 2 भी लिखना, पॉइंट 2, और इसको 3 फिर वैसे नंबर में ही लिखते हैं, नहीं तो हो सकता 2 and 3, these two conditions to be fulfilled in case of cost plus contract all, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा था वो देखो क्लियरली मैंने लिखा था कि फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट को कम मतलब फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए हमें 3 कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ 2 ही कंडीशन फुलफिल करना होता है। एक होता है कि हम लोगों ने ऐसे किसी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया हो जिससे हमें पेमेंट वगैरह मिल जाएगा, मतलब हम लोग का इकोनॉमिक जो है बेनिफिट जो है उसका इनफ्लो जरूर होगा इंटरप्राइज पे। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट उसको कंप्लीट करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन हर स्टेज में कितना हो रहा है उसको हम लोग रिलायबली अगर मेजर कर पाए तो हम लोग इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं, दैट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फिक्स प्राइस में पहले से डिसाइड होगा, कॉस्ट प्लस में तो पहले से नहीं होगा। जितना जितना कॉस्ट लगेगा उतना लग जाएगा, उसमें पहले से हाँ ये बता दिया जाता है कि जितना भी कॉस्ट होगा उस पर हम इतना परसेंट लेंगे या फिर उस पर हम इतने अमाउंट का प्रॉफिट लेंगे, लेकिन वो अमाउंट टोटल कितना है वो तो हम लोग नहीं बता सकते। जैसे फिक्स प्राइस में बता सकते, जब तक कॉस्ट डिसाइड नहीं होगा तब तक जो है हम लोग का सेलिंग प्राइस यानी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिलायबिली मेजर्ड वो सिर्फ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होगा, कॉस्ट प्लस में नहीं होगा, और फिक्स प्राइस में तीनों एप्लीकेबल हो जाए। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
यहाँ पर अब हम लोग का प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या सीखना चाहिए वो आएगा. सबसे पहला पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है. अच्छा, तो इसका रूल्स देखो. स्टेप वन, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये सब अभी हमें हम लोग फॉर्मेट लिख लेंगे कैसे कैसे कैलकुलेशन होता है, फिर हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट करें. तो कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है हम लोग कैसे पता करेंगे, तो कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकर्ड का मतलब हम लोगों ने कितना खर्चा कर दिया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकर्ड प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट. अभी लिखो, जब एग्जाम्पल आएगा समझ जाओगे. एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट इंटू 100. इस तरीके से हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना पड़ेगा. हम लोग क्या सीख रहे हैं, कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है. अब यहाँ पर कॉस्ट इनकर्ड का मतलब क्या होता है वो लिखो. कॉस्ट इनकर्ड वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड. बता देंगे क्या, ठीक है. कॉस्ट इनकर्ड हो गया. इसके बाद स्टेप कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन. यहाँ पर कुछ एक अमाउंट आ जाएगा. फिर स्टेप थ्री, डिडक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट, ठीक है. कहाँ से डिडक्ट होगा, ये जो स्टेप टू में लिखा हुआ है अमाउंट, इससे डिडक्ट होगा. तो मैंने इसके नीचे ही लिख दिया, ठीक है, इससे डिडक्ट. फिर लेस करके जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे टोटल प्रॉफिट. फिर लेस हो जाएगा प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड. प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट for the current year. ये जो अमाउंट निकल के आएगा प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर. ये प्रोसेस समझ में आएगा, क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओगे, ठीक है. तो ये हम लोग का हो गया कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसका स्टेप्स हम लोग क्वेश्चन के साथ देख लेंगे. नेक्स्ट हमें क्या सीखना है, नेक्स्ट हमें सीखना है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू. ये कैसे कैलकुलेट होता है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू. सबसे पहले इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, फिर ऐड हो जाएगा वेरिएशंस क्लेम्स इंसेंटिव वेरिएशन क्लेम्स इंसेंटिव
escalation if any less penalty if any तो ये सब ऐड हो सकता है, ये सब क्या है वो भी बता दे, ठीक है। अच्छा देखो, एस्केलेशन तो मैंने पहले ही बताया कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो उसके लिए हमारा एस्केलेशन लगता है, ठीक है। अच्छा वेरिएशंस मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो कि ऑलरेडी इस तरीके का बिल्डिंग बनाने के लिए बोला गया था तो ऐसा बन गया है, ठीक है। अब यहाँ मान लो एक डोर है, इधर एक डोर है, ठीक है। अब मान लो कोई हम लोग स्पेसिफिकेशन जो है और एडिशन या डिलीशन करना चाह रहे हैं, मतलब जैसा बोला था उसमें हम लोग वेरिएशन लाना चाह रहे हैं कि ये जो डोर है इसको इधर लगाना है, ये जो डोर है इसको इधर लगाना है, या फिर यहाँ दो डोर लगाना है, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी। ये डोर तो एक एग्जाम्पल है। तो अगर हम लोग अपने काम में वेरिएशन कर देते हैं, ठीक है, जैसा बोला था उसके बाद वेरिएशन कि ये ठीक नहीं लग रहा है इसको ऐसे कर दीजिए, एडिशन डिलीशन जो भी हो, तो उसके लिए तो एक्स्ट्रा अमाउंट खर्चा होगा ना, चाहे हम लोग ऐड करें कोई भी फीचर्स को या डिलीट करें, तो दोनों में ही हमारा खर्चा होगा। तो वही बोल रहे हैं वेरिएशंस, अगर वेरिएशंस होता है काम में तो उसका पेमेंट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट हुआ था वो तो था ही था, फिर वेरिएशंस की वजह से हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा एडिशन या डिलीशन करवाया है उसका खर्चा देना पड़ सकता है अगर कोई वेरिएशंस हुआ तो, ठीक है। क्लेम्स का मतलब ये हो गया कि किसी तरीके का हम लोगों ने पहले कुछ बोला था, ठीक है, उसी हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कुछ और था, अब हम लोगों ने उस काम को कुछ और अलग कर दिया, ठीक है, तो उसका हम लोग जो है क्लेम मांग सकते हैं। कोई डैमेज वगैरह हो गया तो क्लेम मांग सकता है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, कि ये मेरा डैमेज हो गया, तो वो क्लेम हमें देना पड़ सकता है। इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब है कि मान लो टाइम के पहले काम पूरा कर दिया, ठीक है, तो वो इंसेंटिव मांग सकता है कि आपका काम होना चाहिए था 3 साल में, हम लोगों ने इसको 2.5 साल में ही पूरा कर दिया, तो फिर वो इंसेंटिव मांग सकता है। एस्केलेशन, एस्केलेशन तो मैंने पहले ही बताया कि अगर मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, जो भी सालों साल काम चलेगा तो प्राइस में अप्स एंड डाउन तो देखने को मिलेगा ही, तो एस्केलेशन मतलब प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो पेमेंट करना पड़ेगा वो पेनल्टी अगर कुछ है, जैसे हम लोगों ने बोला कि आपने तो ये काम अच्छा नहीं किया, जैसे हम लोगों ने कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाया, ठीक है, हमें हम लोगों ने जैसा डिमांड किया था वैसा बना के नहीं दिया, या हमें पसंद नहीं आया, जैसा बोला था एग्जैक्ट वैसा नहीं बना, अगर हम लोग ये प्रूव कर देते हैं कि जैसा हमें चाहिए था वैसा नहीं मिला, तो हम लोग उस पर क्या कर सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं कि हम फिर क्यों दे आपको 10 करोड़, ठीक है, हम आपको 8 करोड़ ही देंगे, आपने तो मेरा वैसा काम करके दिया नहीं जैसे मैंने बोला था, या लेट कर दिया, ठीक है, कुछ भी जो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में जा रहा है, तो फिर उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर पे पेनल्टी लग सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर अपना रेवेन्यू चेक करेगा कि मेरा कितना हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट जो है वो तो उसे मिलने ही वाला था, अगर किसी तरीके का वेरिएशन हुआ था तो वो प्राइस भी ले लेगा, ठीक है, क्लेम था तो वो ले लेगा, इंसेंटिव था वो ले लेगा, अगर इंसेंटिव लाइक कुछ किया है तो एस्केलेशन था तो वो मिल जाएगा, लेकिन अगर कुछ पेनल्टी लग गया है तो वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को आइडेंटिफाई कर सकते। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ये जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, ये तो हो गया हम लोग का रेवेन्यू, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है वो देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या इंक्लूड करेंगे, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन के काम को करने के लिए जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे में क्या क्या आ सकता है। जैसे AS 10 में पढ़े हो ना कि फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट कैसे डिसाइड करते हैं, तो फिक्स्ड एसेट का प्राइस, उसको उसके ऊपर लगने वाला डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, ठीक है, जो AS 10 में पढ़ा था हम लोगों ने, तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सा कॉस्ट हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। पहला कॉस्ट डायरेक्टली related to specific contract, डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही अगर हमारा कोई कॉस्ट है डायरेक्टली जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में रिलेट कर पा रहे वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर सेकेंड अदर कॉस्ट, लेकिन कैसा अदर कॉस्ट आ सकता है, अदर कॉस्ट स्पेसिफिकली
chargeable to customer under contract. मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही अगर ऐसा कोई कॉस्ट है जो हम लोग कस्टमर पे चार्ज कर सकते, बेसिकली कंस्ट्रक्शन के काम से रिलेटेड होगा तो ही कस्टमर पे चार्ज करेंगे, नहीं तो कस्टमर क्यों मानेगा. तो जो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहा है जा रहा है, या फिर ऐसा भी कोई कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट के वजह से ही हुआ है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का काम हम लोग नहीं करते तो नहीं होता, तो वो भी हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में एड कर सकते, यानी कस्टमर से चार्ज कर सकते. कॉस्ट दैट आर attributable to contract activity, या फिर contract के activity से जुड़ा हुआ cost. जैसे कि अगर ये सब का कुछ example दे तो example के तौर पे site labor cost, ठीक है, मतलब जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उस साइट में लेबर को दिया गया कॉस्ट, ठीक है, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए होगा. इसके अलावा कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने लिया है उसकी वजह से हम लोग अगर कोई प्लांट यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से उसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो भी हमारी उसी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस हो जाएगा, जितना डेप्रिसिएशन होगा, प्लांट का प्राइस नहीं, प्लांट का जो डेप्रिसिएशन होगा वो हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में एड कर लेंगे, ठीक है. इसके अलावा कॉस्ट ऑफ डिजाइन एटसेट्रा, ठीक है, मतलब देखो क्या क्या हो सकता है. लेबर का कॉस्ट, साइट पे लगने वाला लेबर का कॉस्ट, ठीक है, मेटेरियल का कॉस्ट, कोई भी प्लांट या मशीन हम लोग यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर्पस के लिए, जैसे कि ये जो मशीन वाला एग्जांपल है वो थर्ड नंबर पॉइंट को रिलेट करेगा, प्लांट या मशीन. दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट, दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी एक्टिविटी हो रहा है. तो अब एक्टिविटी क्या है, हमें प्लांट का जरूरत है, हम लोगों ने प्लांट जो है वो कंस्ट्रक्शन के वहां पर लेके गए, उससे काम चल रहा है, तो उसपे लगने वाला जो डिप्रिशिएशन है वो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कॉस्ट होगा, ठीक है. डिजाइन, ये देखो, ये कस्टमर से, ये देखो हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन का काम करवाया उसके लिए हम लोगों ने आर्किटेक्ट को बुला के डिजाइनिंग करवाया, ठीक है, तो ये अदर कॉस्ट हो गया, लेकिन वो हम लोग कस्टमर से चार्ज कर ही सकते क्योंकि स्पेसिफिकली उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही हायर किया था उन्होंने, ठीक है, तो वो भी होगा. और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में जैसे कि लेबर का कॉस्ट, मेटेरियल का कॉस्ट जो उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लग रहा है, ठीक है. अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हो जाएगा क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है वो भी बता दिया है इस, बट डू नॉट include but do not include general administration cost, comma advertisement or selling cost, advertisement or सेलिंग कॉस्ट एटसेट्रा. बताते हो, देखो यहाँ पर हम लोगों ने दो तीन कॉस्ट का एग्जांपल लिया है जो कि बोला गया है A7 के तरफ से कि ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन के प्राइस का या कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट का, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट का प्राइस नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, देखो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो वो
तो देखो ऑर्गेनाइजेशन का एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो उसको चलाने के लिए खर्चा होगा, जैसे कि सुपरवाइजर हो सकता है या फिर मान लो सैलरी दे रहे कोई अकाउंटेंट वगैरह है, तो ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस है ऑफिस में, ठीक है, प्रिंटिंग पोस्टेज का खर्चा है, और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कि हाँ हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ये चीज बनाते हैं, आप लोग हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं, तो अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग करवाने का मतलब सेलिंग कॉस्ट यानी कि सेलिंग एजेंट वगैरह, ये सब तो जनरल खर्चा है बिजनेस का, तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। हाँ, अगर हम लोग स्पेसिफिकली डिसाइड कर पाए, जैसे कि तुम लोग देखोगे कॉस्टिंग में, जैसे हम लोग करते हैं ना कि जैसे सुपरवाइजर का खर्चा पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन इस डिपार्टमेंट के लिए इतना है या फिर इस मशीन के लिए इतना है ओवरहेड में, जैसे तुम लोगों ने देखा था, तो उस मशीन के लिए हम लोग जितना अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली इंक्लूडेड नहीं होता है, यहाँ पर तुम लोग को इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट भी नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब कॉस्ट क्योंकि ये ओवरऑल होता है, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही किसी का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो रहा है किसी कॉन्ट्रैक्टर का, ऐसा तो है नहीं, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट लेते जाते हैं सभी के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है एप्लीकेबल होता है, तो इसीलिए इस तरीके के खर्चे वो कभी भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू A7, और लॉजिकली भी देखो तो समझ में आता है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्या सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजंस, ये हमें सीखना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजंस, प्रोविजंस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। नॉर्मली प्रोविजंस क्या होता है, डेबिट टू पीएल होता है, कोई भी प्रोविजंस देख लो, जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हो तो प्रोविजंस जो है, प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट बोल के जब तुम लोग क्रिएट करते हो तो पीएल के डेबिट साइड में लिखते हो, क्योंकि प्रोविजंस जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेशंस का तरीका, टोटल रेवेन्यू, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है ऑलवेज सेल, ठीक है, टोटल रेवेन्यू कितना है, माइनस हो जाएगा टोटल कॉस्ट, तो रेवेन्यू से अगर हम लोग कॉस्ट यानी सेल से अगर कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो हमें मिल जाएगा, अब प्रोविजंस नॉर्मली तब होगा जब लॉस होगा, वो देखो एग्जांपल आने से समझ में आएगा क्यों होता है, यहां पर हम पहले लिख देते हैं, यहां पर आता है टोटल लॉस, ठीक है, प्रॉफिट नहीं लिखना है, वो क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओगे, ये हो गया टोटल लॉस, फिर इसके नीचे लेस करके लिखना है, लेस लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, फिर नेक्स्ट लिखेंगे प्रोविजंस टू बी मेड, ये जो फाइनली निकल के आएगा उसको हम लिखेंगे प्रोविजंस टू बी मेड, ठीक है। तो ये देखो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, लेस करने के बाद अगर लॉस आता है, लॉस आने से प्रोविजन यहां पर बनता है, फिर लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, फिर प्रोविजन टू बी मेड, आ जाएगा समझ में क्वेश्चन करने से। फिर नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करने सीखना है अमाउंट ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर को अगर अमाउंट, कस्टमर को अगर हमें अमाउंट पे करना हो तो क्या होगा, और उनसे मिलना हो मिलेगा तो क्या होगा, मतलब ड्यू टू या ड्यू फ्रॉम, ड्यू टू मतलब हमें देना, तो देखो कब ये सिचुएशन हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट यानी कि जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, प्लस रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट माइनस रिकॉग्नाइज्ड लॉस माइनस प्रोग्रेस पेमेंट प्रोग्रेस पेमेंट में ब्रैकेट देके लिखना है रिसीव्ड एंड रिसीवेबल,
तो ये जो अमाउंट निकल के आया इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अमाउंट ड्यू टू है कस्टमर या ड्यू फ्रॉम है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आया तो ड्यू फ्रॉम, और अगर ये नेगेटिव आ गया तो ड्यू टू, मतलब हमें कस्टमर को देना पड़ेगा। अगर ड्यू फ्रॉम हुआ तो वो एसेट है क्योंकि रिसीवेबल होगा, और अगर ड्यू टू हुआ तो वो लाइबिलिटी हो जाए। अगर ड्यू टू हुआ तो वो लाइबिलिटी हो जाए। अब इसमें ये जो है देखो, ये थोड़ा बताते हैं क्या बोला है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि जिससे भी हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब उनको हमें पैसा देना है या उनसे पैसा मिलेगा। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मतलब हम लोगों ने जो भी पैसा लगाया कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए, फिर जितना प्रॉफिट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, तो हमारा सेल वैल्यू निकल जाएगा ये दोनों को ऐड करने से। और अगर लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे तो भी सेल वैल्यू, क्योंकि देखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का मतलब भी सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट माइनस लॉस का मतलब भी तो सेलिंग प्राइस ही होता है। ऐसे हम लोगों ने 100 रुपए में कोई चीज खरीदा और उसे 2 रुपए लगा के 102 में बेच दिया, और हम लोगों ने 100 रुपए में कोई चीज खरीदा और उसे 98 में बेचा, तो 2 रुपए के लॉस में बेचा। दोनों ही केस में ये हमारा सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है। तो यहाँ से यहाँ सेलिंग प्राइस माइनस प्रोग्रेस पेमेंट। प्रोग्रेस पेमेंट का मतलब होता है कि जितना पेमेंट हमें मिल गया, अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम एक लॉन्ग टाइम के साथ होता है, तो वहां पर पेमेंट जो है प्रोग्रेस पेमेंट वो हम लोग का ऐसा होता है कि जैसा जैसा काम होता है ना उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पेमेंट मिलते जाता है। तो इस तरीके के पेमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेस पेमेंट, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस पेमेंट लेस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कस्टमर से, ये मेरा सेल वैल्यू है, ठीक है, जितना सेल वैल्यू उसमें से जितना मुझे मिल गया प्रोग्रेस पेमेंट का मतलब मिल। और प्रोग्रेस पेमेंट में आप देखो दो चीज आता है, रिसीव्ड अमाउंट भी आएगा, रिसीवेबल अमाउंट भी आएगा। मतलब मुझे कॉन्ट्रैक्टी ने पैसा दे दिया है और मुझे, मान लो कॉन्ट्रैक्टी ने, मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 10 लाख का, मुझे कॉन्ट्रैक्टी ने 8 लाख दे दिया है, 2 लाख देने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट हमारा आ जाएगा जो भी हमारे प्रोग्रेस पेमेंट में रिसीवेबल या रिसिप्ट दिखाया जाएगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो अब उसके बाद अगर मेरा अमाउंट जो है वो नेगेटिव आता है, इसका मतलब मुझे कस्टमर को ही देना पड़ेगा, और पॉजिटिव अगर आता है तो फिर मुझे वो अमाउंट उनसे रिसीवेबल होगा। जैसे कि मान लो ये टोटल करके मेरा 10 लाख आया, मुझे 8 लाख का प्रोग्रेस पेमेंट मिला है, तो 2 लाख मेरा पॉजिटिव आ गया तो मुझे मिलेगा 2 लाख उनसे। और मान लो मुझे यहाँ पर मेरा सेल प्राइस है 10 लाख और मेरा प्रोग्रेस पेमेंट हुआ है मान लो मुझे ये 12 लाख, ठीक है, तो फिर मुझे ही कस्टमर को वापस 2 लाख देना पड़ेगा, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, बाकी क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओ। फिर यहाँ पर लिखेंगे डिस्क्लोजर क्या क्या देना पड़ता है इस एस पे, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। पहला अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू यानी सेलिंग प्राइस क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है AS7 के अकॉर्डिंग। मेथड्स यूज्ड टू डिटरमाइन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, डिटरमाइन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मतलब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन का जो काम किया है या करने वाले हैं उसका जो रेवेन्यू हम लोगों ने डिसाइड किया है, उसके लिए हम लोगों ने क्या मेथड अप्लाई किया, कैसे सोचा कि ये चीज हम लोग 10 करोड़ लेंगे, या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे डिसाइड हो रहा है, उसका मेथड भी हमें डिस्क्लोज करना होता है। मेथड इनकर्ड, मेथड इनकर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट, सॉरी कॉस्ट इनकर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट, कितना कॉस्ट इनकर्ड हो चुका है और हम लोग कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, ठीक है, वो दोनों चीज हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है ईयर टू ईयर। एडवांस रिसीप्ट, ठीक है, एडवांस में अगर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टी से कुछ लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम में ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि काम शुरू करने के लिए मुझे कुछ एडवांस दे दीजिए, तो एडवांस अगर रिसिप्ट किया है तो वो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। फिर रिटेंशन,
रिटेंशन का मतलब होता है, एक्चुअली रिटेंशन मनी का बात हो रहा है, ठीक है। रिटेंशन जो है इसका मतलब देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस बिलिंग, अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस बिलिंग विच आर नॉट पेड अंटिल द सेटिस्फैक्शन ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशंस। रिटेंशन मनी का मतलब रिटेंशन मनी भी लिख सकते हो, ठीक है। रिटेंशन का मतलब होता है रह रहे के पैसा देना, ठीक है। जैसे देखो अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस बिलिंग विच आर नॉट पेड, मतलब प्रोग्रेस बिलिंग हर बार बनता है कि जैसे कंस्ट्रक्शन का काम मैंने बोला ना काफी टाइम लगता है, तो जितना जितना काम बनता है उतने काम को ना सर्टिफाइड करवाया जाता है। क्या होता है ना देखो ये सब कंस्ट्रक्शन का काम के लिए ना एक सर्टिफिकेट इशू करता है इंजीनियर, आके देख के चेक करता है कि हाँ ये यूजेबल है, अगर कोई भी डिफेक्ट डैमेज लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है ये पुल गिर जाए, जैसे होता है ना ये सब क्यों होता है, क्योंकि जो इंजीनियर है उन्होंने गलत काम पे सर्टिफाइड कर रखा है, इस वजह से इस तरीके का जो है एक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो ये जो इतना बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, अचानक से बिल्डिंग गिर गया, ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं, अचानक से बना बनाया बिल्डिंग गिर गया, मतलब क्या सारे खराब काम किए गए, मतलब रॉ मेटेरियल बेकार था कुछ भी, ठीक है। लेकिन एक बिल्डिंग बनने के बाद उसका एक सर्टिफिकेट, जैसे तुम लोग पढ़ाई करते हो तो एक सर्टिफिकेट इशू होता है ना, जैसे 1 में 2 में 10th में पास किए 12th में पास किए, कॉलेज करोगे तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है कि भाई हाँ मेरा 10th कम्प्लीट है मेरा 12th। तो वैसे भी इस तरीके के काम का भी ना सर्टिफिकेशन होता है, इसीलिए देखो कि मैंने एक जगह पे लिखवाया वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड, मतलब बने हुए वर्क पे सर्टिफिकेट मिल गया, हाँ ये जो है सही बना है, इसका एक सर्टिफिकेशन देना, ठीक है। और अगर अनसर्टिफाइड है मतलब वो काम अभी भी सर्टिफाइड नहीं हुआ, मतलब उसके अगेंस्ट में सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ, तो अब जितना काम बन जाता है उसके लिए एक बिलिंग बन जाता है कि भाई ये रोड यहाँ से यहाँ तक का बनने का, यहाँ तक बन गया है और इसके लिए जो प्रोग्रेस बिलिंग होना चाहिए कि हाँ इतना बन गया है, इतना सर्टिफाइड हो गया, इसका हम लोग पेमेंट करेंगे तो कितना बिल हो रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेस बिलिंग। अब अगर हमें लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का काम ना जैसे हम लोगों ने सोचा था वैसा नहीं हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ वर्क सर्टिफाइड हो गया, ये वर्क नॉट सर्टिफाइड हो गया, अगर हमें ऐसे लगता है तो भले ही काम इतना पूरा हुआ हो क्योंकि हमें लग रहा है कि ये हमारे हिसाब से नहीं बना, सर्टिफाइड नहीं हुआ है, तो फिर अगर इसका वर्क नॉट सर्टिफाइड आता है, ये देखो वर्क सर्टिफाइड या नॉट सर्टिफाइड करने वाला आर्किटेक्ट होता है, इंजीनियर वगैरह होते हैं वो करते हैं, ठीक है, उनके पास ऑथोरिटी होता है। तो अगर ऐसा है कि सेटिस्फाइड काम नहीं हुआ है या फिर स्पेसिफिक कंडीशंस के हिसाब से काम नहीं हुआ है, तो हम लोग प्रोग्रेस बिलिंग इतने का बना हुआ है फिर भी इतना ही पे करेंगे, बाकी तब पे करेंगे जब हमारे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम हो जाएगा कि भाई आपने ये तो ठीक नहीं किया, ऐसा तो नहीं बोला था, इसको ठीक कीजिए, बाकी इसका पेमेंट कर देंगे। यानी इतने में हम लोगों ने सिर्फ इतना पेमेंट किया, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग ने सिर्फ इतना पेमेंट किया, तो इस चीज को बोलते हैं रिटेंशन मनी, रख रख लिए पैसा देना, ठीक है, पूरा नहीं देना। और ये तभी किया जाता है अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस बिलिंग विच आर नॉट पे, मतलब प्रोग्रेस बिलिंग जो बना था उसमें जितना अमाउंट पे नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि काम जो है वो सेटिस्फेक्शन जो है देख के नहीं मिला या सही नहीं लगा जैसे हम लोगों ने बोल रखा था, ठीक है। इस पैसे को बोला जाता है रिटेंशन मनी, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर और एक पॉइंट ऐड कर लो, प्रोग्रेस बिलिंग कैन बी पेड और पेड, ये मैंने पहले भी लिखा है, इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेस बिलिंग जो है वो हम लोग का पेड अमाउंट भी हो सकता है और पेबल अमाउंट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा और एक पॉइंट इसमें क्या होगा, ये डिस्क्लोजर में देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट में थोड़ा सा डिटेल्स लिखा है, और लास्ट पॉइंट जो है अमाउंट ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ये भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा ये जो भी हम लोगों ने अभी जितना भी ये लिखा है ना स्टेप्स वगैरह की कैसे करके कैलकुलेट होगा, अब हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू से ये समझेंगे, ठीक है।
दो तीन क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल वन, मिस्टर ए एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर रुपीज 10 लाख ऑन 1/1/2022 ही इनकर्ड ड्यूरिंग 2022 कॉस्ट 3 लाख एस्टिमेटेड कॉमा देख के लिखना है, एस्टिमेटेड फर्दर फर्दर कॉस्ट या फ्यूचर कॉस्ट कुछ भी बोला जा सकता है 4 लाख। फिर नेक्स्ट लिखेंगे अप टू 2023 कॉस्ट इनकर्ड, इनकर्ड मतलब लगा चुके हैं 5 लाख एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट या फर्दर कॉस्ट दोनों ही लिखा जा सकता है, इसलिए यहां मैंने ये लैंग्वेज लिख दिया, यहां पर ये लैंग्वेज लिख दिया, दोनों का मतलब एक ही है 2,50,000। इसके बाद अप टू 2024 कॉस्ट इनकर्ड 8 लाख फ्यूचर कॉस्ट नील, कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ 2024 फाइंड प्रॉफिट एंड तो लेजर फाइंड प्रॉफिट एंड सो लेजर फॉर पीएल। ठीक है, अच्छा इस एग्जांपल को हम लोग करते हैं। देखो यहां पर बोला है कि मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 10 लाख रुपीस का, ठीक है, और वो लिया गया है 1/1/2022। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो काम स्टार्ट हो गया होगा, काम स्टार्ट किया है तो उन्होंने क्या क्या खर्चा किया है उसका क्या डिटेल्स दिया है उसको हम तुम लोग को एक टाइम लाइन से ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखो पहले देखो काम जो है कंप्लीट हुआ है पहले साल, क्योंकि ईयर टू ईयर होगा, क्योंकि सभी को अपना फाइनेंशियल ईयर टू ईयर बनाना है। अब उसका काम 3 साल में कंप्लीट हुआ तो क्या वो 3 साल बाद अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा? वो वैसा थोड़ी होता है, सभी को तो ईयर टू ईयर पता करना होता है। दूसरा है, मान लो ये इतना बड़ा, ये तो मिस्टर ये अकेले लिया है, मान लो ये कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है और शेयर मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है, तो अगर इन्वेस्टर को शेयर होल्डर को ईयर टू ईयर प्रॉफिट वगैरह का पता ही नहीं चलेगा तो वो ऐसे कंपनी में क्यों अपना पैसा लगाए? तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम भले ही एक एक कॉन्ट्रैक्ट 2 साल 3 साल 5 साल चलता है लेकिन ईयर टू ईयर उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी तक देखो 2022 तक कॉस्ट इनकट हो चुका है 3 लाख, ठीक है, तो 2022 तक कॉस्ट इनकट हो चुका है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 31 जनवरी 2022 इस दिन कॉन्ट्रैक्ट लिया और पूरे एक साल में इन्होंने कितना खर्चा कर दिया है? इन्होंने खर्चा कर दिया है 3 लाख,
इस पीरियड में ऑलरेडी 3 लाख रुपीज का खर्चा हो चुका है। और यहाँ पर मिस्टर ए देख रहे हैं यहाँ खड़े होके कि इनका आगे इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में 2,50,000 का खर्चा हो सकता है, कंफर्म नहीं है, इससे ज्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है। ये एस्टिमेटेड है कि हाँ हमें लग रहा है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इसको आगे कंप्लीट करेंगे तो हम लोग का 2,50,000 खर्चा होगा। मतलब यहाँ पर खड़े होके इनको दिख रहा है फ्यूचर का खर्चा, फ्यूचर का खर्चा कितना दिख रहा है इनको, देखो यहाँ लिखा था हम लोगों ने कितना 4 लाख, ठीक है, फ्यूचर का खर्चा इनको दिख रहा है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या हुआ, इस तरीके से फिर देखो जैसे ही दूसरा साल शुरू हुआ तो देखा गया कि 2023 तक, ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया 2023, 31 दिसंबर 2023, और यहाँ पे इन्होंने देखा कि ये और एक साल बीत गया और हम लोगों ने कितना खर्चा कर दिया है, 5 लाख। अभी हम लोगों ने 5 लाख और भी खर्चा कर दिया है लेकिन फिर भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, और हमें लग रहा है कि आगे और भी 2.5 लाख का खर्चा होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्यूचर कॉस्ट जो है 2,50,000, ठीक है। अच्छा मेरा ये लाइन थोड़ा सा गलत लगा दिया मैंने, देखो ये है, मैंने देखो लैंग्वेज क्या लिखा है, मैंने लैंग्वेज लिखा है कि कॉस्ट इनकर्ड अप टू 2023, मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक, ठीक है। तो ये 5 लाख का खर्चा जो है वो 1 जनवरी से लेके 2023 का बात हो रहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने ड्रॉ करके दिखाने का सोचा था, बट बाई चांस मैंने वहां पर लगा दिया है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अप टू का मतलब अब तक, ठीक है, ये भी अप टू 2022 तक 3 लाख, अप टू 2023 तक 5 लाख, ये अप टू इतना, ठीक है, मतलब जब से स्टार्ट हुआ तब से लेके आज तक का खर्चा हुआ है 5 लाख, मतलब यहाँ 3 लाख और यहाँ 2 लाख हुआ है, ठीक है, तभी तो जाके टोटल 5 लाख हुआ, क्यूमुलेट हो गया अप टू इतना। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर फिर क्या बोला है कि 2024 में 8 लाख का खर्चा हुआ, अप टू 2024 तक उन्होंने देखा 8 लाख का खर्चा हुआ, तो अप टू 2024 मतलब जहां से काम शुरू हुआ था वहां से लेके यहाँ तक, अगर ये हम लोग का 2024 हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक का हम लोग का खर्चा हो गया है अप टू 8 लाख, ठीक है, मतलब पहले साल अगर देखा जाए तो 3 लाख, ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर टोटल 5 लाख, मतलब यहाँ पर कंसिडर करोगे तो कितना हुआ 2 लाख, अगर इंडिविजुअली ईयर हिसाब से देखोगे, फिर यहाँ पर देखो 3 और 2 5 लाख, यहाँ तक, फिर यहाँ 8 लाख, मतलब यहाँ पर कितना लगा 3 लाख, ठीक है, 3, 4, 5, 5 और 3, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इस तरीके से 8 लाख हुआ, मतलब अब तक 3 साल में 8 लाख रुपए खर्चा हुआ, 2 साल तक 5 लाख और पहले साल 3 लाख, और यहाँ पर क्योंकि काम कंप्लीट हो गया है ईयर एंड में तो देखो फ्यूचर कॉस्ट इन्हें और कुछ नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जो काम है कंस्ट्रक्शन का वो यहाँ पर बन चुका है, जो बिल्डिंग इनको बनवाना था मान लो जो भी काम था वो यहाँ पर रेडी हो चुका है, ठीक है, तो फ्यूचर कॉस्ट यहाँ पर 0 हो गया, कुछ भी नहीं होगा, जब काम ही कंप्लीट हो गया तो फ्यूचर कॉस्ट किस बात का। अब ये देखो हमें कैलकुलेट क्या करने बोला है, बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ 2024, फाइंड प्रॉफिट एंड शो लेजर अकाउंट, हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब देखो मैंने तुम लोग को यहाँ पर दिखाया है कि कैसे करके तुम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहिए, पहला हम लोगों ने यही लिखा था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे हर स्टेज पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हर स्टेज का मतलब हर साल, ठीक है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए स्टेप वन हो जाएगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2022 तक के लिए, ठीक है, हर स्टेज पे होना चाहिए, और हर स्टेज का मतलब हर साल डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अच्छा कंप्लीशन इन द सेंस हमें देखना है कि अमाउंट के अकॉर्डिंग, तो उसका फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट इनकर्ड, फॉर्मूला हम समझा देते क्यों ऐसा है, फिर कॉस्ट इनकर्ड प्लस फ्यूचर कॉस्ट या फर्दर कॉस्ट इनटू 100, ठीक है, तो अगर हम लोग 2022 को देखें तो कॉस्ट इनकट कितना है 3 लाख, हम लोगों ने अभी तक कितने का खर्चा किया है 3 लाख का खर्चा किया, ठीक है। अच्छा इसके बाद थ्री लाख, ठीक है, फिर यहाँ पर कॉस्ट इनकट 3 लाख, और यहाँ पर इस टाइम पीरियड में
खड़े होके हमें ये दिख रहा है कि हमें और आगे जाके 4 लाख का और खर्चा करना पड़ सकता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ? ये कितना? हाँ, इंटू 100। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लग रहा है कि टोटल 7 लाख का खर्चा होगा, अभी 3 लाख कर चुके, आगे 4 लाख होगा, तो 7 लाख में हम लोगों ने 3 लाख का खर्चा कर दिया है ऑलरेडी। ये ईयर वन में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे लगेगा कि हम लोगों ने टोटल 7 लाख खर्चा करना है, ठीक है? और उसमें से हम लोगों ने अभी तक कितने का खर्चा कर दिया है? 3 लाख का। तो हम लोगों ने टोटल परसेंटेज में अगर देखे कितना खर्चा किया, और इसी परसेंटेज को बोला जाता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ठीक है? देखते हैं कितना खर्चा हम लोगों ने किया। 3 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख इनटू 100, तो ये हो गया 42.86%, ठीक है? तो हम लोगों ने इतना खर्चा कर दिया है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर दिया? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। इसके बाद स्टेप टू में क्या करना पड़ता है? देखो लिखा हुआ है, स्टेप टू में क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन ये निकालना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन ये क्यों निकालते हैं वो भी हम बता रहे हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितने का है? देखो 10 लाख, ठीक है? 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसको अभी तक हम लोगों ने 42.86% कंप्लीट किया है कॉस्ट इनकर्ड के रेस्पेक्ट से अगर हम लोग देखें, ठीक है? तो हम लोग का ये अमाउंट जो निकल के आएगा वो आ रहा है हम लोग का 4,28,600, ठीक है? इसका मतलब हम लोग अभी रेवेन्यू 10 लाख पूरा जो है रिकॉग्नाइज्ड यानी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, उतना ही रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि 3 साल का जो मतलब देखो ये जो टोटल सेल वैल्यू है वो तो 3 साल बाद का है, तो हर एक साल कितना कितना रिकॉर्ड करें क्योंकि हमें इसको तो ईयरली डिवाइड करना है, तो उसका रूल्स बताया गया है। बोला कि पहले देखो कि पहले साल कितना डिग्री का काम कंप्लीट हुआ है, अपने रेवेन्यू को उतना तक जो है रिकॉर्ड करो या रिकॉग्नाइज करो। मतलब 10 लाख में हम लोग 42.86% का रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है? ये हम लोग का क्या हो गया, 10 लाख में से इतना सेल वैल्यू हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए रिकॉग्नाइज्ड कर सकते हैं। अब फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट पता करना है, तो फर्स्ट ईयर में कॉस्ट इनकट कितना हुआ है? 3 लाख, ठीक है? तो 4,28,600 हम लोग का फर्स्ट ईयर का सेल्स वैल्यू हो रहा है प्रोपोर्शनेट करके जो रूल्स बोला गया है, लेस कर देंगे कॉस्ट इनकट। हम लोगों ने 2022 में कितना कॉस्ट इनकट किया है जो कि 3 लाख है, ठीक है? 3 लाख है, तो इस सेल वैल्यू में से कितना प्रॉफिट हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? 1,28,600 इतना प्रॉफिट जो है हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है? यही देखो यही वाला स्टेप मैंने तुम लोग को यहाँ पर लिखवाया था, तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिडक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट, उतने टाइम पीरियड तक जितने टाइम का प्रॉफिट निकालना चाहते कितना टोटल प्रॉफिट। अब ये स्टेप सेकेंड ईयर से आएगा, ये इसके पहले नहीं आएगा, प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, ये समझ में आएगा जैसे 2023 और 24 करेंगे, ठीक है? वो भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, देखो हम लोगों ने पहले डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाला, कैसे निकालते हैं, कितना कॉस्ट इनकर्ड किया है उसके बेसिस पे। हमें पहले साल लग रहा है 7 लाख का कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ेगा, उसमें अब तक हम लोग 3 लाख इनकर्ड किए हैं, तो 42.86% हम लोगों ने कॉस्ट जो है कॉस्ट के रेस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट किया हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है 10 लाख, उसमें हम लोग इतना ही रिकॉग्नाइज्ड करेंगे। ये हम लोग का अप टू 1 ईयर तक का सेल्स वैल्यू, और 1 ईयर में कॉस्ट इनकर्ड इतना है तो 1 ईयर का प्रॉफिट इतना हो गया। अब देखो हमें क्वेश्चन में बोला था कि प्रॉफिट निकालो और उसके साथ पीएल का एक लेजर भी बना के दिखाओ, तो इस साल का जो पीएल का लेजर बनेगा वो कैसे देखने में, ये देखो ऐसे यहाँ पर दिखा रहे हो, ठीक है? पीएल में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जैसे इधर क्या लिखा जाता है, सेल प्राइस, ठीक है? तो सेल प्राइस फर्स्ट ईयर का कितना है 4,28,600, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू या प्राइस लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 3 लाख, ठीक है? इधर खर्चा लिखेंगे डेबिट साइड, 3 लाख का खर्चा किया, इतना अर्निंग किया, तो टू नेट प्रॉफिट,
128,600, 128,600 इस तरीके से क्लियर। ठीक है, ये हो गया 2022 यानी कि फर्स्ट ईयर का। अब हम लोग 2023 का भी निकाल के देखें। 2023 डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इस बार कितना कंप्लीट हुआ है काम, तो यहां देखो, ये ड्रॉ में देखो। ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड, तो सेकेंड ईयर में हम लोगों ने कितना कॉस्ट इनकर्ड कर लिया है, 5 लाख तक, और फ्यूचर में और कितना करने वाले हैं, 2,50,000 ऐसा हमें लग रहा है। तो कॉस्ट इनकर्ड अप टू द डेट 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख प्लस 2,50,000 इंटू 100, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन पता चलता है। तो कितना हो रहा है देखते हैं, 5 लाख और डिवाइडेड बाय 7,50,000, सिक्स पॉइंट 67% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, वो भी पॉइंट में ही आया था, तो हम लोग का इतना काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि इस साल हम लोग कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू तो वही 10 लाख का, उसमें हम लोग कितना जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो सेकेंड ईयर का रेवेन्यू है उतना ही करेंगे जितना हम लोगों ने कंप्लीशन किया है काम। तो ये अमाउंट हम लोग का आ जाएगा 6 लाख, देखो ऐसे आ जाएगा, ये जितना भी आया ना इसमें डायरेक्टली हम 10 लाख करते हैं, 6,66,667। डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज नहीं दिया मैंने, आ जाएगा 6,66,667। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें लेस करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट भी चाहिए। ये तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड अप टू सेकेंड ईयर, लेस कर देंगे कॉस्ट को, लेस करेंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट 5 लाख, उस दिन तक का कितना कॉस्ट इनकर्ड हो चुका है 5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1,66,667, ये हो गया प्रॉफिट टिल डे। इतना प्रॉफिट, ठीक है, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये हम लोग का सेकेंड जो है, ये हम लोग का देखो, ये अभी कंप्लीट नहीं पाए, क्यों, क्योंकि ये हो गया सेकेंड ईयर तक का प्रॉफिट। ये देखो सेकेंड ईयर तक का प्रॉफिट हो गया इतना, मतलब फर्स्ट ईयर से लेके सेकेंड ईयर ये क्यूमुलेट हो रखा है। अब इसमें से हमें लेस करना पड़ेगा, देखो अभी टिल डेट तक का प्रॉफिट हुआ, ये सेकेंड ईयर का नहीं है, ये कब तक का है, फर्स्ट एंड सेकेंड मिक्स्ड अप करके है। ठीक है, अब यहां से हमें लेस करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर हम लोगों ने कितना प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया था, प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, देखो यहां पर दिखेगा कितना रिकॉग्नाइज्ड हुआ था, 1,28,600, यहां पर आ जाएगा 1,28,600, 7,60,38,067, ये हो गया प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, ये सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है। यहाँ पर क्यूमुलेट क्यों हो गया था, देखो नॉर्मल सा बात है, ये 5 लाख जो है ये हम लोग का ओनली थोड़ी ना सेकेंड ईयर का है, ये फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मिक्स्ड अप करके है, यहाँ पर भी वही, और ये फर्दर हम लोग दे रहे हैं, तो ये 66.67% नॉट ओनली कंप्लीशन फॉर द सेकेंड ईयर, इट इज सेकेंड एंड फर्स्ट दोनों मिला के, ठीक है, कंबाइनली यहाँ तक, तो यहां तक के कंप्लीशंस को लेंगे तो पूरा यहाँ 2 साल का मिला के रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और 2 साल में कितना कॉस्ट इनकट किया है 5 लाख, तो ये
दो साल तक का प्रॉफिट निकला, लेकिन मुझे तो सिर्फ इस साल का चाहिए। इस साल का मुझे पता था कितना रिकॉर्ड किया है, 1,28,600, वो लेस कर दिया तो मुझे सेकेंड ईयर का पता चल गया। ये होता है, क्यूमुलेट हो जाता है इस वजह से, और इसी पैटर्न में इसको दिखाना पड़ता है। ये देखो यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर। करेंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए अगर पहले प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हुआ है तो उसको हमें जो है लेस करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग जो है थर्ड ईयर का भी कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड ईयर का कैसे होगा, मतलब 2024, तो उसमें भी वैसे सबसे पहले निकालेंगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो यहाँ पर तो पूरा काम कंप्लीट हो गया, तो यहाँ 100% आना चाहिए, देखते हैं 100% आता है कि नहीं। कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड 8 लाख अप टू द डेट, ठीक है, और फर्दर कोई कॉस्ट हमें दिख नहीं रहा है कि और कुछ इनकर्ड करना है कि नहीं करना है। तो कॉस्ट इनकर्ड 8 लाख डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकर्ड प्लस फर्दर कॉस्ट, तो कॉस्ट इनकर्ड तो 8 लाख है लेकिन फर्दर कॉस्ट हम लोग का 0 है क्योंकि काम कंप्लीट हो गया, इनटू 100, तो ये 100% हो जाएगा। जब काम कंप्लीट ही हो जाएगा तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% तो आएगा ही आएगा। अब रेवेन्यू हम लोग इसमें रिकॉग्नाइज करेंगे, देखो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितना होगा, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, तो ये हम लोग का हो जाएगा 10 लाख इंटू 100%, तो ये हो गया 10 लाख, 10 लाख इंटू 100% 10 लाख। माइनस करेंगे कि कितना कॉस्ट अब तक इनकर्ड हुआ है, तब तो प्रॉफिट पता चलेगा। लेस कर देंगे कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट 8 लाख, तो ये आ गया 2 लाख, ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट अप टू डेट, मतलब 2024 तक का प्रॉफिट इतना है। लेस करेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, मतलब यहां पर 3 इयर्स का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। देखो ये जो है ये 3 साल तक का है, मतलब इसमें 2022 का प्रॉफिट भी है, 2022 का थ्री का भी है, 2024 का भी है। मुझे अगर 2024 चाहिए तो 2 और 3 का मुझे उसमें से लेस करना पड़ेगा, तो 2, 3 का प्रॉफिट कितना है, देखो 2 और 3 का मिला के ये है, या तो 1,66,667 लिखो या फिर ये दोनों को ऐड करो तो भी एक ही बात होगा। ईयर टू ईयर देखो, जैसे थर्ड ईयर का सेकेंड ईयर का ये और फर्स्ट ईयर का इतना, ये दोनों का ऐड करोगे तो भी इतना ही आएगा, ठीक है, 1,66,667, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड जो है इतना है 2 साल तक का, तो थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट फॉर थर्ड ईयर इसके बाद हम लोग जो है दूसरा पॉइंट सीखेंगे कि कैसे प्रोविजंस को कैलकुलेट। देखो ये आसान, इसमें कुछ नहीं है, ये जैसा होगा ऐड करते जाओगे। प्रोविजंस कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देते, क्वेश्चन बोलते हैं समझ में आ जाएगा प्रोविजंस किस तरीके से। देखो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हंड्रेड करोड़, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 80%, वर्क सर्टिफाइड 62 करोड़, वर्क अनसर्टिफाइड 30 करोड़, फ्यूचर
एस्टिमेटेड कॉस्ट 23 करोड़, फाइन, प्रोविजन। हम लोग को प्रोविजन कितना है वो फाइंड आउट करके देना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मतलब कॉन्ट्रैक्ट का सेल प्राइस है, जब हम लोग का कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो प्रोडक्ट हैंडओवर करने पे 100 करोड़ मिलेगा। अभी तक हम लोग का काम कंप्लीट हुआ है 80% तक, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड थोड़ी देर पहले बोल रहे, काम कंप्लीट है लेकिन सर्टिफिकेशन मिलता है तो वो यूजेबल होता है। तो वर्क सर्टिफाइड 42 करोड़ का है, वर्क अनसर्टिफाइड 30 करोड़, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का तो इतना पैसा लग चुका है 92 करोड़। तो कॉन्ट्रैक्टर ने खर्चा कर दिया है, क्यों खर्चा कर दिया है, क्योंकि सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड का मतलब ये थोड़ी ना कि काम इनकम्प्लीट है, सर्टिफिकेशन नहीं मिला बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिकेशंस जो सही नहीं लगा, इस वजह से वर्क अनसर्टिफाइड रहा या किसी और रीजन से अगर अनसर्टिफाइड रहा तो उसके अगेंस्ट में प्रोग्रेस बिलिंग नहीं मिलता है। लेकिन खर्चा तो हो चुका है 92 करोड़ का, और फर्दर 23 करोड़ का और खर्चा करने का बात है, मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो जाएगा यहां पर 92 प्लस 23 यानी कि 115 करोड़ का टोटल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और रेवेन्यू है 10 करोड़, मतलब हमें दिख रहा है कि हम लोग का लॉस 15 करोड़ का हो जाएगा। खर्चा इतना लेकिन 100 करोड़ हमें रेवेन्यू मिलेगा। प्रोविजंस मैंने बोला था, प्रोविजंस हम लोग लॉस के केस में निकालते हैं। देखो जब डेटर से हमें लॉस होने का लगता है तो ही तो हम लोग प्रोविजंस का मतलब क्या है, फ्यूचर में हो गया है किसी लॉस को पे करने के लिए हम लोग प्रोविजंस क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमारा बैड डेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रोविजंस। तो यहाँ पर देखो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड। कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड में क्या है, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड। ये चीज मैंने तुम लोग को पहले भी देखो यहाँ पर जो है स्टार देके लिखवा दिया था कि वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड मिला के होता है, ये देखो टोटल कॉस्ट कहीं तो लिखवाया था, अभी मुझे दिख नहीं रहा है, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क नॉट सर्टिफाइड, ये देखो वर्क सर्टिफाइड वर्क नॉट सर्टिफाइड ये दोनों मिला के ही होगा टोटल कॉस्ट इनकर्ड, क्योंकि वो मैंने समझाया क्या होता है, अनसर्टिफाइड का मतलब है उसके अगेंस्ट में सर्टिफिकेशन नहीं मिला लेकिन पैसा खर्चा हो चुका है, काम हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 62 प्लस 30 करोड़ यानी कि 92 करोड़ टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड प्लस फ्यूचर कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड मतलब ऑलरेडी जो इनकर्ड है, मतलब 92 प्लस 30 यानी कि सॉरी प्लस 23, ये 23, 115 करोड़, ठीक है। ये हम लोग का हो गया टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अच्छा अब हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, जैसे इसके पहले किया था। तो रेवेन्यू इतना ही रिकॉग्नाइज होगा जितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन होता है। रेवेन्यू 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और डिग्री ऑफ कंप्लीशन यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है 80%, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हम लोग करेंगे 80 करोड़। अब प्रॉफिट निकालना है तो लेस करेंगे कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड जो कि आया है हम लोग का 92 करोड़ का। ये देखो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड 92 करोड़, मतलब हम लोग का लॉस हो रहा है 12 करोड़। ये हम लोग का हो गया लॉस ड्यूरिंग द ईयर जो हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, जैसे हम लोग प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करते हैं वैसे। अब ये कहां पर जाएगा, ये चार्ज टू पीएल ही होगा, ठीक है। हम पीएल का स्ट्रक्चर बना के भी दिखा देते हैं कैसे बने। तो यहां पर आ जाएगा बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना रिकॉर्ड करेंगे, जिस साल का पीएल बन रहा है जितना होगा 100 में से सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़, और ये 80 करोड़ के अगेंस्ट में हम लोगों ने कितना खर्चा कर दिया है कॉन्ट्रैक्टर ने, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट
92 करोड़। तो यहाँ पर लॉस दिखेगा, नेट लॉस, जैसे प्रॉफिट दिख रहा था वैसे नेट लॉस 12 करोड़, ये क्लोज हो जाएगा, 12 करोड़ का हमें लॉस दिखेगा। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अच्छा, फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग कैसे करेंगे, ये हो गया जब 80% तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट मान लेते हैं कि और 20% कंप्लीट हो जाएगा, तो उस केस में नेक्स्ट ईयर हम लोग कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल रेवेन्यू 100%, मान लो कंप्लीट हो गया, मतलब 100 करोड़ इंटू 100%, तो यहाँ पर हो गया 100 करोड़। लेस कर देंगे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इनकम, मान लो हम लोगों ने पूरा खर्चा कर दिया है। ठीक है, ये फर्दर कॉस्ट ये सारे मिला के, और आगे कोई खर्चा नहीं हो, तो यहाँ पर टोटल लॉस कितना होगा जो हमें दिख रहा था क्वेश्चन में ही कैलकुलेट करके डायरेक्टली, 15 करोड़। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी लॉस रिकॉग्नाइज 12 करोड़, लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज 12 करोड़, तो इस साल मतलब सेकेंड ईयर में 3 करोड़ का और रिकॉर्ड, ये हो गया प्रोविजन फॉर लॉस। अच्छा, प्रोविजंस फॉर लॉस हम लोग कब बोलेंगे, देखो ये 3 करोड़ आए ये समझ में आया, अब चलते हैं जहां पर मैंने लिखवाया है वहां देख के हम एक बार समझाने का कोशिश करें। देखो यहाँ पर बोला है कैसे प्रोविजंस क्रिएट करेंगे, टोटल रेवेन्यू से अगर हम लोग टोटल कॉस्ट, मतलब प्रोविजंस हमें कितना करना है वो हम लोग कैसे देखेंगे। देखो ये सेकेंड ईयर अगर मानते हैं तो फिर प्रोविजंस नहीं होगा, फिर लॉस रिकॉर्डेड होगा, लेकिन मान लो कि ये हम लोग फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारा लॉस हो रहा है, तो फ्यूचर में भी लॉस हो रहा है वो हमें पता चल गया पहले ही, तो फ्यूचर में होने वाला लॉस, प्रूडेंस नेचर क्या बोलता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को हमें आज ही रिकॉर्ड करना चाहिए। कैसे करेंगे, प्रोविजंस बना के करेंगे। ठीक है, तो ये पीएल जो है इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, जैसे ही हमें दिखा कि लॉस होगा तो फ्यूचर में कोई लॉस है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। कैसे, पहले हम लोग देखेंगे टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल कॉस्ट इनकर्ड कितना होगा, टोटल लॉस कितना होगा, लॉस ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड हो रहा है, तो प्रोविजंस हमें लॉस के लिए कितना बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रोविजंस फॉर लॉस निकल के आ गया। अब हम लोग का जो पीएल है उसमें क्या चेंजेस दिखेगा हम दिखाते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर ये बना के दिखाते हैं। देखो ये पीएल कैसे देखने में लगेगा यहाँ पर बना, देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग का ये उसी साल बन रहा है। ठीक है, अगर हम लोग देख लेते हैं कि लॉस है तो हमें प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन बनाना है तो फिर ये पीएल थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ 80, यहाँ पर आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 92। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर लॉस, फ्यूचर में होने वाला लॉस अभी रिकॉर्ड करना हो गया, इधर हो जाएगा हम लोग का 95, तो इधर भी टोटल में हमारा 95 आना चाहिए, यहाँ तो आ रहा था 92। ठीक है, नेट लॉस, तो यहाँ पर नेट लॉस कितना हो जाएगा, बाई नेट लॉस ये हम लोग का बढ़ जाएगा, कैसे, 12 तो है ही, वो तो ऑलरेडी है, और फ्यूचर में और 3 होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग का ये 15 का जो है, 15 करोड़ का नेट लॉस रिकॉर्ड होगा ड्यू टू प्रोविजंस, लॉस हमारा और भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखो ये हम लोग उसी साल बनाएंगे, तो अगर मेरा फ्यूचर में कुछ लॉस दिख रहा है कि होगा तो मुझे प्रोविजंस बनाना चाहिए, तो पीएल उस रेस्पेक्ट में बनेगा, प्रोविजंस टू बी मेड इस तरीके से बनता है। कैसे करके प्रोविजंस बनता है वो मैंने बताया तुम लोग, ठीक है, कि कैसे करके प्रोविजंस हमारा बनेगा। तो दो चीज मैंने सिखाया, एक तो कैसे करके रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, पीएल कैसे बनेगा, प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हर साल स्टेज के कंप्लीशन के अकॉर्डिंग, और मैंने एक तुम लोग को प्रोविजन सिखाया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारा एक पॉइंट और होता है जो सीखना है कि कस्टमर को देना है या कस्टमर से पैसा मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, उसके बाद जो हम लोग का मैट का क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, आज हम लोग इतना ही करते, इसको पहले देख के रखो नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आज इतना ही करते। थैंक यू मैम।